हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता तिवारी, स्टूडेंट ऑफ श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। दिस वीडियो इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एविडेंस एंड डिजिटल एविडेंस। सो इन दिस फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एविडेंस। एन एविडेंस कैन बी जनरली डिफाइंड एज समथिंग दैट टेंड्स टू एस्टैब्लिश और डिसप्रूव अ फैक्ट वेदर एन ऑफेंस इज कमिटेड और नॉट। दिस इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमनी और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। अब एविडेंस वो चीज़ होती है जो कि एक किसी भी क्राइम को जो भी कमिट हुआ है उसमें कोई भी फैक्ट को एस्टैब्लिश करने में, उसे प्रूव और डिसप्रूव करने में कि क्या ये सच में ये क्राइम हुआ है या नहीं। लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस ऑल्सो कॉल्ड रियल एविडेंस और मटेरियल एविडेंस इज एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी, टच और फील। दिस प्लेज अ हाईली सिग्निफिकेंट रोल इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अब फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस कोई ऐसी चीज़ होती है, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें सीन ऑफ क्राइम पे मिलती है, जिसे हम इजीली कलेक्ट कर सकें, उससे उसको ट्रांसमिट कर सकें, उसे कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूफ कर सकें एंड उसका एनालिसिस हो सके, उस चीज़ को हम फिजिकल एविडेंस बोलेंगे। फिजिकल एविडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्राइम को सॉल्व करने में। Now let's discuss about digital evidence. Any data stored or transmitted using a computer that support or refute a theory of how an offense occurred or that address critical elements of the offense such as intent or alibi. अब digital evidence basically ऐसे data या फिर कोई भी files या कोई भी hard drive या कुछ भी हो सकता है जो कि basically computer और internet से related हो। digital evidence हमें basically cyber crime के cases में मिलते हैं, जो कि एक थ्योरी बनाते हैं जो कि ये प्रूफ कर सके कि जो भी क्राइम हुआ, कमिट हुआ है, वो क्या, कैसे और क्यों हुआ है। अब यहाँ पे डेटा कुछ भी हो सकता है, या तो वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती है, कोई सिस्टम हो सकता है या ऐसी कोई अदर डिवाइस हो सकती है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो। Now, we will discuss what are basically physical evidence. So, some types of physical evidences like dead body, weapons, fibers, tool marks, biological fluids like semen, blood, saliva, hair, documents, glass fragments, fingerprints. A physical evidence हमें basically conventional crimes में मिलते हैं। तो अगर heinous crime है तो वहाँ पर हमें dead bodies मिल सकती हैं, weapons मिल सकते हैं, टूल मार्क्स मिल सकते हैं, किस बायोलॉजिकल फ्लूड्स मिल सकते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, सीमेन, सलाइवा, हेयर। अगर कोई इतना हीनियस क्राइम नहीं है तो हमें वहाँ पे दूसरी और भी चीज़ें मिल सकती है। फिंगरप्रिंट इज़ अ वेरी कॉमन फिजिकल एविडेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिजिटल एविडेंस। व्हाट आर डिजिटल एविडेंस? डिजिटल एविडेंस कुछ भी हो सकता है, या तो वो कोई हार्ड डिस्क हो सकती है, कोई सिस्टम हो सकता है, पीसी यानी डेस्कटॉप, सीडी, डीवीडी, राउटर, सीसीटीवी फुटेज, सिस्टम फाइल्स, कोई भी ईमेल मैसेजेस, यहाँ तक कि ब्राउज़र हिस्ट्री, कोई टाइप के पिक्चर्स, कोई डिजिटल फोटोज, इमेजेस, ये सारी चीज़ें डिजिटल एविडेंस हो सकती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंसेस। तो फिजिकल और डिजिटल एविडेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो फिजिकल एविडेंस और डिजिटल एविडेंस का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं। फिजिकल एविडेंस कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं और जो कि एक विजिबल होती है, मतलब डिजिटल एविडेंसेस भी विजिबल होते हैं बट हम उन्हें इतनी ईजिली मतलब कैरी कर नहीं करना, जैसे ईमेल मैसेजेस हो गए तो उन्हें कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी स्पैम मैसेजेस हो गए। तो फिजिकल एविडेंस और डिजिटल एविडेंस का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। स्टोरेज, अब कोई भी अगर फिजिकल एविडेंस हमें मिला है तो उसे एक लार्ज स्पेस लगेगी सराउंडिंग्स में रखने के लिए, उसे कैरी करने के लिए। और डिजिटल एविडेंस को हम किसी भी पेन ड्राइव, कोई भी हार्ड डिस्क या किसी में भी स्टोर कर सकते हैं, तो डिजिटल एविडेंस को स्टोर करना बहुत ईजी होता है। बैकिंग अप डॉक्यूमेंट्स, अब अगर हम फिजिकल एविडेंस की बात करें तो सपोज अगर कोई फिंगरप्रिंट है और अगर वो
फिंगरप्रिंट है और अगर वो थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाए तो हम उससे रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को। बट अगर हम डिजिटल एविडेंस की बात करें तो अगर कोई फाइल्स है सपोज, तो अगर वो डिलीट हो भी जाते हैं तो हम उन्हें रिकवर कर सकते हैं वेरी इजीली। तो फिजिकल एविडेंस की रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है, डिजिटल एविडेंस को हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल एविडेंस को हमें अगर कॉपी करना है, जैसे कि अगर कोई पेजेस हैं तो हमें उन्हें एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा, बट वेपन्स हो गए या कोई फिंगरप्रिंट्स हैं या कोई ब्लड का सैंपल है तो हम उन्हें कॉपी नहीं कर सकते। डिजिटल एविडेंस अगर है, जैसे कि कोई फाइल्स हैं, कोई मैसेजेस हैं, कोई फोटोज़ हैं, तो हम उनकी एग्जैक्ट कॉपी डिजिटली बना सकते हैं। अब मेटा डेटा, डिजिटल एविडेंस में मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब होता है कि अगर कोई भी डिजिटल एविडेंस है तो उस फाइल के पूरी डेटा हमें वो बता देता है कि फाइल का वर्जन क्या है, फाइल का नाम क्या है, कौन से एक्सटेंशन की फाइल है। पर फिजिकल एविडेंसेस के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उनका कोई मेटा डेटा नहीं होता है। अब एविडेंस ट्रांसमिशन, फिजिकल एविडेंस को सबसे पहले तो कलेक्ट करना, उन्हें हैंडल करना, उन्हें प्रिजर्व करना और फिर एनालिसिस के लिए भेजना, तो उनके ट्रांसमिशन के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस लगती है। डिजिटल एविडेंस के लिए अगर कोई डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट है तो वो उसे कोई भी डिजिटल जो भी उसका एविडेंस है उसे ईजिली या तो किसी पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, या अगर वो इन सब चीज़ों में उसे बहुत ईजिली कलेक्ट कर सकता है और ईजी ट्रांसमिट हो सकते हैं डिजिटल एविडेंसेस। सिक्योरिटी, फिजिकल एविडेंस की सिक्योरिटी के लिए हमें उसे एक पर्टिकुलर स्टोरेज रूम देना पड़ेगा जिसमें कि हम उस जो भी हमारा एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस, उसे स्टोर कर सकें। बट डिजिटल एविडेंस के लिए हमें ऐसा कोई भी रूम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल एविडेंस बहुत ईजीली किसी भी पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और कोई भी ऐसी डिस्क में आ सकता है। बट उसमें यह रहता है कि अगर हमने उसे पासवर्ड लॉक किया है तो ईजिली एक्सेसिबल होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट फिजिकल एविडेंस को एक्सेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन दिस नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टिगेटिव टूल्स। अब अगर कोई कन्वेंशनल क्राइम हुआ है तो वहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्राइम सीन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। किसी भी अगर हम कन्वेंशनल क्राइम के सीन पे गए हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले बैरिकेड्स लगाने पड़ेंगे और पूरे सीन को एक प्रॉपर वे में मैनेज करना पड़ेगा। उसके पहले फोटोग्राफी होनी चाहिए और उसके बाद उसके स्केचिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्शन, और फिर उसके बाद हम जाएंगे कलेक्टिंग, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन और एविडेंसेस की। हमें कुछ स्पेशल टाइप के टूल्स लगेंगे फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट करना है तो हमें पर्टिकुलर टाइप का सॉफ्टवेयर और टेक्निक लगेगी कि कौन सा टाइप का क्राइम हुआ है, उस बेसिस पे हम वो डिजिटली साउंड जो हमारे टूल्स होंगे उन्हें लेके जाएंगे, जैसे कि इरेज हो गया, FTK हो गया, ऑक्सीजन, रिकोवा, ये सारी चीज़ें। अगर इंटरैक्शन की बात करी जाए तो कन्वेंशनल क्राइम में जो विक्टिम होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्रिमिनल से, यानी कि इंटरैक्शन होता है। और कन्वेंशनल क्राइम में एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कोर्ट में। वहीं पे अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम कोई भी पर्सन कर सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि वो विक्टिम को बहुत अच्छी तरीके से जानता ही हो या ज़रूरी नहीं कि वो विक्टिम से मिला हो, कोई भी पर्सन जो है वो साइबर क्राइम कर सकता है। तो इंटरेक्शन होना नहीं हो पाता है साइबर क्राइम में विक्टिम और क्रिमिनल का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चैलेंजेस। अब अगर हम डिजिटल एविडेंसेस की बात करें कि उन्हें कलेक्ट करने में और कोर्ट में, मतलब उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी होती है पूरी, जब तक कि वो क्राइम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कि कौन कौन से चैलेंजेस एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो डिजिटल एविडेंस वैसे तो कैन नॉट बी इजीली डिलीटेड, बट वंस ओवर रिटन कैन नॉट बी रिट्राइव। वैसे तो डिजिटल एविडेंसेस को डिलीट करने के बाद हम उन्हें इजीली ले तो सकते हैं, बट अगर वो एक बार ओवर रिटर्न हो जाते हैं तो हम उन्हें वेरी इजीली रिट्राइव नहीं कर सकते। इफ फॉर्ज और टेम्पर्ड कैन बी इजीली डिटेक्टेड, अगर उसमें कोई भी टाइप की फॉर्जरी की गई होगी या उन्हें किसी भी तरह से टेम्पर्ड किया गया होगा तो वो चीज़ डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है।
और डिजिटल एविडेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उनके फॉर्म में होते हैं, जीरोज़ और वंस वाली लैंग्वेज में चलते हैं, तो उन्हें हैंडल करना प्लस उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करना ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज हर किसी के समझ में नहीं आती है। उसके लिए हमें एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। अब किसी भी टाइप के डिजिटल एविडेंसेस में मतलब डाइवर्सिटी होती है लैंग्वेजेस में, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब की एक अलग लैंग्वेज होती है, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, तो उसके लिए उस लैंग्वेज का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन्हें समझने के लिए भी एक एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है। स्टोरेज एक्सट्रैक्शन प्रिजर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब स्टोरेज एक्सट्रैक्शन प्रिजर्वेशन और इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी हमें एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अगर किसी भी टाइप का डिजिटल एविडेंस है तो उन्हें इजीली स्टोर कर सकें, और उन्हें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, और उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, उन्हें उसका एनालिसिस कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के लिए। लैक ऑफ अवेयरनेस। अब साइबर क्राइम जो इतने ज़्यादा उसका रेट है वो इस वजह से है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत सारे लोग अभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस ऑफ मेकिंग एक्सेप्टेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें उस एविडेंस को ऐसे तरीके से कोर्ट में देना होता है जिससे कि वो इजीली एक्सेप्ट हो सके, लोगों को समझ में आ सके, प्लस उस एविडेंस से रिलेटेड प्रॉपर जस्टिस हो सके विक्टिम का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस इन फिजिकल एविडेंस। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्राइम सीन मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें वहाँ पे जाकर क्राइम सीन को मैनेज करना होता है, जिससे कि अगर वहाँ पे किसी भी टाइप के कोरोबोरेटरी एविडेंसेस हैं तो वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। नेक्स्ट स्टेप होती है हैंडलिंग, कलेक्शन, पैकिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंसेस। अब उन एविडेंसेस को प्रॉपरली हैंडल करना, कलेक्ट करना, उनकी पैकिंग और प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना फिजिकल एविडेंसेस की सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि फिजिकल एविडेंसेस बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर उनका प्रॉपर कलेक्शन और पैकेजिंग ना किया गया हो तो। ईजी कंटामिनेशन। फिजिकल एविडेंसेस में कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दे कैन वेरी इजीली गेट कंटामिनेटेड। नेक्स्ट कोरोबोरेटरी एविडेंस, मतलब जो भी ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो कि बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनका प्रॉपर पैकेजिंग होना चाहिए और प्रिजर्वेशन होना चाहिए। सबसे पहले उन एविडेंसेस को कलेक्ट करके एनालिसिस के लिए भेजना चाहिए। डेवलपमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लेटेंट एविडेंसेस। अब अगर कोई भी लेट सपोज वी टॉक अबाउट फिंगरप्रिंट, तो वो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करके डेवलप कर पाना वो एक मेन चैलेंज होता है। और स्टोरेज फिजिकल एविडेंसेस एक लार्ज अमाउंट में होता है, उनके लिए हमें एक प्रॉपर स्पेस देनी होती है, एक प्रॉपर स्टोरेज चाहिए होता है। तो दीज वर द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल एविडेंसेस, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंसेस। थैंक यू।